तेलंगाना के सरकार ने 20 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू डिक्लेयर किया है, वो 30 अप्रैल तक चलेगा। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों ने घर में ही रहना है। शाम को 8 बजे कंपलसरी जो एस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट, बार, पब्स, ये सब बंद करना है। कुछ कुछ लोगों को खास सहूलियत दी गई है, उसमें मेडिकल शॉप्स है, पेट्रोल बंक है, जो व्हीकल्स है खासकर बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जा रहे या वापस आ रहे, उन लोगों को सहूलियत है रात में। जो आईटी संस्था में काम करते या प्रोडक्शन 24/7 जिनका चलता, ऐसे जो वर्कर्स है, ऑफिसर्स है, देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बल्दिया हो या हमारा पंचायत राज से हो, कि जिनको वाटर सप्लाई, सैनिटेशन के लिए रात में काम करना है, रोड के लिए डांबर डालना हो, तो इन लोगों को खास सहूलियत दी गई है। हम लोग भी उनको कोऑपरेट करेंगे। हमारे राजकोंडा कमिश्नरेट में अभी 46 चेक पोस्ट चल रहा है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हमारे लोग यहाँ बंदोबस्त कर रहे हैं। इसके अलावा शाम को 8 बजे जो हमारा जो पेट्रोल मोबाइल है, ब्लू कोल्ट है, वो अपना सायरन बजाते हुए लोगों को लाउड स्पीकर द्वारा अनाउंस करते हुए पूरा एस्टेब्लिशमेंट बंद कर रहे हैं। लोगों को यही गुजारिश है कि ये जो कोरोना के केसेस अभी बढ़ रहे हैं, कंपलसरी मास्क पहन लो, नहीं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा जो कर्फ्यू का जो वायलेट करते कर्फ्यू, उन लोगों के खिलाफ भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 51-60, 188 IPC के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों को यही हमारी गुजारिश है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, पेशेंट्स हैं जिनको रात में कहीं हॉस्पिटल जाना है, उन लोगों को लिए जो कैब्स है, ऑटो है, उसकी परमिशन नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो कैब और ऑटो उनको नहीं मिली, तो उस सिचुएशन में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के मदद से फ्री कैब सर्विस बोल के नेक्स्ट आने वाले 2 दिनों में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे राजकोंडा कमिश्नरेट में जो ऑर्फनेजेस है, सीनियर सिटीजन के होम है, जो लोगों का मेंटली इश्यूज है, चैलेंज इशू, ऐसे लोगों के लिए जो होम है, उस होम में उनको तो फ्री में खाने के लिए भी हम लोग इंतज़ाम करने वाले हैं। ये कर्फ्यू के दरमियान लोगों को यही गुजारिश है, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए।
I'm going to go to the hospital.